कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया कार मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हजारा कम्युनिटी के साथ जो सानिया हुआ उस पर जितनी बात की जाए वो कम है, उनका काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको सियासी नजर से किस तरह से देख रहे हैं कि अभी तक इमरान खान साहब वहां नहीं जा सके, जाने से बिलावल और मरियम वहां पहुंच जाते हैं और वहां अपनी सियासत चमकाते हैं, हालांकि मॉडल टाउन का वाकया इन्हीं से जो है वो पेश आया, ये अपनी तारीख भूल चुके हैं लेकिन उस पर जो है वो तनकीद करने के लिए पहुंच गए, तो पहले तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। पहले तो ये है कि इमरान खान को सिक्योरिटी वालों ने जो है ना क्लियरेंस नहीं दी थी। पाकिस्तान में एक ब्लू बुक होती है, ग्रीन बुक होती है, रेड बुक होती है, जो ये प्रोटोकॉल की हैं, उन्होंने जो क्लियरेंस नहीं दी तो इमरान खान क्या करने जाता। और अगर ये जो तनकीद कर रहे हैं हामिद बीर या आसमा शराजी, ये तो मुस्लिम लीग के स्पोक पर्सन है ना, इनसे पूछो कि नवाज शरीफ आज तक केपीएस के वो नाम के लुआए कि इनके पास गया ना, उस स्कूल में गया ना ही उसने ये अफसोस किया। वो क्या वजूहत थी, उसके दौर में हुआ था ये। इमरान खान तो धरने में बैठा हुआ था और नवाज शरीफ वजीर आजम था, इसका भाई भी भागा भागा फिरता था जी मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी वो ले रहा था। वो तो अभी तक नहीं गए, उस पर तो इनकी जुबान गूंग है, बिल्कुल खामोश है, मुंह पे टेपे लगी हुई। ये जो 16 गए थे अरकारे इनके मुस्लिम लीग के स्पोक पर्सन जर्नलिस्ट, उनमें से कोई भी उस पर नहीं बोलता, कोई वजूहत थी। इतना तो इमरान खान ने नहीं बुरा भला कहा था इसको कि तू क्यों नहीं उधर गया, अभी तक आज तक नहीं वहां गए। दूसरा मॉडल टाउन में इनमें से कभी मरियम के मसाय में तो ये हो रहा था उस वक्त, वो तो उस दिन इस्लामाबाद में थी वो जाती। और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इनके घर का मौलवी था, इनके घरों में जो कुलखानी होती है, जो बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान देते हैं, वो इनके घरेलू था, जिस तरह आजकल तारिक जमील साहब है ना, तो उस हवाले से भी मरियम का वहां जाना पड़ता था। मरियम के कान में अजान तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दी थी, तो ये उस हवाले से भी देखिए आपके 12 बंदे हो गए। और खवातीन के मुंह में हमला, खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गई, ये तो उन्होंने पॉलिटिक्स बना लिया। इससे पहले भी ज्यादती, बिल्कुल ज्यादती हुई हजारा वालों से, और हजारा वालों के साथ उस वक्त भी किसी वक्त थ्रेड होता था। अब बीच में कुछ और वजूहात भी हैं, मतलब उसका मैं थोड़ा सा ही इशारा दे देता हूँ। उसमें जो 5 बंदे हैं ना वो अफगानी हैं, इनके पास बॉर्डर वहां के लूज है, उधर के है वो हजारा का ही है भी मजलूम ही है। अभी अफगान गवर्नमेंट ने कहा जो बंदे हमारे वापस करो, जब उनके सिग्नल पे तो चले गए, क्योंकि वहां पर अब फेंसर पूरी नहीं लगी, पूरी बाड़ वहां पे नहीं लगी, उधर से आ जा चले जाते। यही इस बात का दुख है इनको, ये अचकजई वगैरह को, कि ये क्यों बाड़ लगा रहे, हमारी तो पाबंदी खत्म हो जाएगी आने जाने की। कुछ टेक्निकल वजूहत था, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से ये नहीं गया। और पीपल पार्टी वाले भी आज तक नहीं कभी मॉडल लोन वालों के घर गए, इनमें से इतनी तौफीक नहीं को केस लगा हुआ उस पर, इनके मुस्लिम लीग के वकला डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। साकम निसार ने कहा था कि इसका सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, तो उस वक्त के ये बेवकूफ वजीर आला ने कह दिया जी हमने पहले ही एक्शन लिया हुआ, तो वो इसी तरह रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मॉडल टाउन के ऊपर ये बताएगा कि मरियम नवाज से एहतजाज के दौरान एक सवाल पूछा गया कि क्या इस हमले के पीछे भारत मुलव्वस है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ कहना नहीं चाहती, ये हुकूमत का मामला है। तो क्या वजह है कि दोनों बाप बेटी कभी भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? इसने कहा था कि मैं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट तो चीख चीख के कह रही, मिनिस्टर इमरान खान हमारी आर्मी चीख चीख के कह रही कि इसमें जो है ना वो भारत मुलव्वस है। भारत के मिनिस्टरों ने ओपनली कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है बलूचिस्तान के ऊपर, मोदी ओपनली कहता है कि बलूचिस्तान को हमने अलहदा करना है। ये किस तरह, ये तो भारत का टुकड़े खाते हैं, ये नहीं कभी कहेगी इसको, क्योंकि वहां पे जो इनके जो सिक्योरिटी वाले है ना वो उन्ही साफियों को आगे आने देते हैं जो लाइट माइंडेड होते हैं, जो इनकी फेवर में करते हैं।
वहां पे कोई दूर होता बार बार उससे सवाल करता है, मैडम इंडिया का हाँ या ना में जवाब दो। वो तीन चार साथी थे, उन्होंने वो भी यूट्यूबर थे इनके, उन्होंने सवाल किया, इसने गोलमल जवाब दे दिया। ये कभी भी नहीं करेगी, ये बताए ना कि कौन इन्वॉल्व है। और उन मिनिस्टरों की आज तक इन्होंने उसकी नहीं की, तरदीद नहीं की, जो ये कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान अलहदा करना है, हमने सिंध अलहदा करना है, ये कभी भी नहीं बाप बेटी इस बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनके टुकड़ों पे पड़ रहे हैं, उनकी जो लॉबिंग फर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ये गोल कर गई। वहां पे तो पूरे न्यूट्रल अगर कोई होते साफी अच्छे वाले तो वो बार बार उससे सवाल करते, बीबी इसके बारे में हाँ ना मैं बता, तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, तुझे पढ़ती नहीं, तुझे ये तो पता लग जाता है कि इमरान खान के घर में आज टिक्का पार्टी हुई, ये नहीं पता लगता कि इतने बड़े सानिया हो गया तो तुझे वो पता ही नहीं लगा। हमारा मीडिया पूरी ISPR बार बार कहती, वजीर आजम ने कहा और UNO में वजीर आजम ने कहा कि हमारे बलोचिस्तान में ये जो दहशत गर्दी कर रहा है। अब क्योंकि मसाइल ऐसे हैं, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, कुछ हमारी सोर्सेज की मजबूरियां भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत कोताही भी है, ये सानिया हो गया, लेकिन इसी से ही कुछ सबक सीखते हैं। ये कभी भी बाप बेटी इंडिया के बारे में कभी भी नाम नहीं लेंगे, योनी के टुकड़ों पर। उन्होंने बात की है, ये क्या कहानी है, क्या मुल्क से भागने की कोई नई साजिश हो रही है या वाकई उमड़ा कर उसको कवर करने के लिए, उस अपने बयान को कवर करने के लिए इन्होंने कल इनके सोशल मीडिया ने और इनके घरेलू पालतू जर्नलिस्टों ने शोशा छोड़ दिया, मरियम उमरा करने जा रही, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कहीं सानिया हुआ हो, ये मरियम के लिए भी सानिया था कि उसने भारत का नाम नहीं लिया। उसको कवर करने के लिए एक और इन्होंने फेक न्यूज छोड़ दी कि मरियम जा रही जी, इंतजाम हो रहे अपने बाप के पास जा रही, और उन्होंने अपने लाइट माइंडेड जो ये सहाफी हैं इनके यूट्यूबर तलत हुसैन हो गया, शाकर सलोंगी हो गया, अहमद मीर हो गया, इन्होंने ये छोड़ी हुई है। और उसको काउंटर करने के लिए वो बेचारे 10 यूट्यूबर जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं वो जाके मिले, जिसमें सदीक जान, अदील वड़ैच और Siyasat.com वाले, उन पे इल्जाम लगा दिए पैसे कहाँ पे मिले, कौन से एडवर्टाइजमेंट मिली, हमने तो अभी तक नहीं देखी कोई इश्तहार मिले। फर्जी इनको ख्वाब आ जाते हैं सुहेल वड़ैच को, फर्जी खत आ जाते हैं, फर्जी इनको उनके स्टोरियां झूठ इनसे, नजम सेठी से और सलीम साफी से, शाहजेब खान ज्यादा से, इनसे बढ़ चढ़ के झूठ बुलवा लो, इन पे कोई असर नहीं होगा। भाई बताओ ना, गवर्नमेंट किस हेड से देगी, किसको देगी, कोर्टें आजाद है, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, और मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया आजाद है, वो खुद भी चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड होती लिमिट उसकी एडवर्टाइजमेंट की, ये फौरन भागे भागे जाएंगे मीडिया वाले कि जी हमारे देखो कट लगा दिया, वही जो इश्तहार गवर्नमेंट ने उधर देने तो वो इनको देंगे, तो कट तो लगेगा ना। अभी तक एक नहीं दिया, वो लोग जो भी जाए ये खुद चले जाए। अभी जो गया था ये मंसूर अली खान वजीर आजम को मिलने, तो क्या वो इश्तहार लेने गया था वहां पे, वजीर आजम उनके अपोजिशन को भी कामरान शाहद को मिला था, इसी तरह वजीर आजम को मिला था, वजीर आजम ने यह कहा था कि भाई हम कोई तो सही काम कर रहे हैं उसको उजागर करो। नईम बुखारी ने भी यही कहा था भाई जो गवर्नमेंट अच्छा कोई तो काम कर रही है ना उसको उजागर करो, उनसे इश्तहार आ गई या उसमें क्या भट गए, कोई ऐसी बात नहीं। मरियम कहीं नहीं जा रही, यही गले सड़ेगी इंशाल्लाह ताला, कहीं नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीर शाह साहब, आपने कीमती गुफ्तगू से जो है वो हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह से दोबारा आपसे करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।